ब्रांडेड कपड़े हम खरीदते हैं फ्रेंड्स, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि वो फट जाते हैं लेकिन उन कपड़ों की चमक ख़राब नहीं होती है। एक दफ़ा पैसा देते हैं ज़्यादा तो दिल की धड़कन तो ज़रूर बढ़ती है, लेकिन बाद में हम उन ड्रेसेस को रिसाइकल भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस पुरानी शर्ट से जो फटी हुई है दो चीज़ें मैं बनाऊँगी, दो DIYs बनाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले इस शर्ट की जो बाजू थी, स्लीव्स थी, कट कर ली, उसको मैं आगे इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं जो शर्ट का मेन पोर्शन है उसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो दो DIYs पुरानी शर्ट से जब बनेंगे तो आपको भी बड़ी खुशी होगी। 16x16 inches मेरे कुशन कवर की डायमेंशंस हैं। एंड फ्रेंड्स, रिसाइकल करने से हम इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा काम करते हैं। ये अगर हम हर एक व्यक्ति सोचे तो आप ज़रूर देखेंगे कि इन्वायरमेंट पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है। हम चीज़ें रिसाइकल करते हैं तो फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन कम होता है, उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी रुकता है और हमारे पैसों की बचत भी होती है। और हम अपनी पुरानी चीज़ों को देते हैं कि बोर हो जाते हैं तो कुछ क्रिएट भी हो जाता है नया। अब मैं इस कटे हुए पोर्शन के चारों साइड्स पे पिंस लगा दूंगी। ऐसा करने से हमारा जो सिलाई का प्रोजेक्ट है ख़राब नहीं होगा और बस 5 मिनट में ये कुशन कवर है बन भी जाएगा। और रिसाइकलिंग से फ्रेंड्स पैसा तो बचता है, साथ में बहुत खुशी भी होती है और क्रिएटिव कामों में बिज़ी रहने से हमारा टाइम भी अच्छे से पास होता है। अभी बस कुछ नहीं करना है, चारों साइड्स में स्टिचिंग लगा देनी है, सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है, दैट्स ऑल। अगर आपको सिलाई में कोई एक्सपर्टाइज नहीं भी है तो भी आप इस प्रोजेक्ट को बहुत इजीली सिल सकते हैं। जैसे जैसे सिलाई लगाते जाएं आप पिंस हटाते जाएं। एंड ये देखें, मेरा छोटू सा कुशन कवर बनके तैयार हो गया, हार्डली 10 मिनट्स लग गए। एंड इसमें मैं अभी आपको कुशन इंसर्ट करके दिखाती हूँ, ये बड़े अच्छे से इसमें पूरा भी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं अभी तो सर्दी है इसको एज कुशन कवर यूज़ कर रही हूँ, पर जैसे ही सर्दी ख़त्म होगी तो गर्म कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना होगा, तो मैं इसको एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी। इस कुशन कवर में मैं अपनी सारी शॉल्स और टोपियाँ और वूलन सॉक्स रख दूँगी ट्रंक में, सो दैट जब नेक्स्ट विंटर आएगी तो इधर उधर चीज़ें फैली नहीं होंगी, आसानी से मिल जाएंगी। मेरे घर में जितनी भी पुरानी शर्ट्स होती हैं मैं उनको ऐसे ही कुशन कवर की फॉर्म में रेडी कर लेती हूँ और उनके मल्टीपल यूजेस करती हूँ। चलिए अब हम जो स्लीव्स थी उनको रिसाइकल करते हैं। ये मैंने स्क्वायर पोर्शंस कट कर लिए स्लीव्स के, और ये मेरे पास एक पुरानी जिप थी, और ये वाइट जो क्लॉथ मैंने नीचे रखा है ये किचन का नैपकिन था जो कि अभी उतना अच्छा नहीं है, किचन में इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो ये मैं अपने एक गाउन को मैंने ऑलरेडी रिसाइकल कर लिया, उसकी ज़िप हटा ली है, और एक ज़िप मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी जो कि मैंने 10-12 रुपए में ख़रीदी थी। ये स्पॉन्ज का पीस भी किसी पैकिंग में आया था। तो बस मेरा आपसे ये वीडियो शेयर करने का एक मकसद ये भी है कि आप देखेंगे मैं कुछ भी ख़रीदने के लिए घर से बाहर नहीं गई, और कोविड प्रोटोकॉल्स तो हम सभी को फॉलो करना ही होते हैं, अननेसेसरी बाहर भी क्यों जाना, घर में जो भी चीज़ हो उसको रिसाइकल करके बना सकते हैं। आपके पास अगर स्पॉन्ज के पीसेस नहीं हैं तो आप कोई मोटा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने पहले वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने एक थिक सा क्लॉथ यूज़ किया, वो मैं लिंक लगा दूँगी, आप देखना। ये पाउच भी मैंने इसी तरीके से ही बनाया है जो आपने अभी देखा, वो मैंने अपने ब्लाउज़ पीस से टुकड़ा बचा था, मेरे को टेलर ने रिटर्न करा था, तो उसी में ही मैंने पुराना ज़िप लगाया और थोड़ा सा लाइनिंग का कपड़ा बचा हुआ था किसी और ड्रेस से उसको लगाया, और सब चीज़ों को रिसाइकल करके ये पाउच मैंने बनाया, जिसमें कि मैं अपने सारे एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड्स, बीड्स, सितारे, मिरर्स वगैरह रखने वाली हूँ, और अक्सर वो सब इधर उधर फैले रहते हैं। तो ये वाला जो भी मैं पाउच बना रही हूँ ये मैं अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ये उन्हीं की शर्ट है जिसको मैंने रिसाइकल करा है, और वो इसमें अपनी कुछ चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल करना है तो मोबाइल का चार्जर हो गया वो रखा जा सकता है, और कोई और छोटी मोटी चीज़, कोई कॉम्ब या फिर कोई शेविंग का सामान, और नहीं तो कई बार होता है कि कई चीज़ें होती हैं पेपर्स ही होते हैं। तो ये बस देखें हमारा ये रेडी हो गया, मैंने स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी, किचन का नैपकिन भी यूज़ हो गया, और अब हमारा अगला काम जो है वो इसमें
ज़िप अटैच करना है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, स्पॉन्ज था, वो भी मैंने कट कर दिया। इस तरीके से देखें, ज़िप को हमने दोनों पीसेस के बीच में रखना है। और फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स ज़िप को और ये वाले ब्लू फैब्रिक को अटैच करा है पिंस से। तीन मैंने यहाँ पे पिंस लगा दिए हैं। और पीछे से ये मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लिया। ये देखें, इससे क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो नीट रहता है, और ज़िप को जब हम खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें धागे नहीं फंसते। ये देखें, मैंने दोनों फैब्रिक पीसेस के बीच में ये ज़िप जो है स्टिच कर ली, और ये अच्छे से खुल भी रही है, बंद भी हो रही है। साइड, तीनों साइड से बस सिलाइयाँ लगानी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा करके। ये देखें, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। साइड से भी मैंने स्टिच कर लिया, और ये देखें, ज़िप खुल भी रही है इजीली। इसको उल्टा करके अभी आपको दिखाऊंगी। ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था, ये अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा, तो इसको मैं कट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है, आप अपनी ज़िप की मेजरमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा ही फैब्रिक रखें तो ठीक रहता है, वो हम बाद में कट कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी इसको उल्टा करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा छोटू सा क्यूट सा एक स्पॉन्ज एंड पुराने फैब्रिक से रिसाइकल करा हुआ एक पाउच तैयार हो गया। इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं अननेसेसरी फैली रहती हैं, इवन आपने अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो आप इस तरीके के पाउच में आप सॉक्स रख सकते हैं। खासकर सॉक्स ढूंढने में अक्सर दिक्कत आती है, एक एक अलग अलग कलर की होती है। कुछ भी और छोटी चीज़ें, हैंकीज़ हो गए, वो उसको ऑर्गेनाइज करके आप अपने बच्चों की या हस्बैंड की अलमारी में रख दें, और बस। और पुरानी चीज़ रिसाइकिल भी होगी। देखें, अच्छे से इसकी ज़िप खुल भी जाती है, बंद भी हो जाती है। और आप क्लॉथ देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल नया का नया लगता है, इतना सुंदर है और ड्यूरेबल भी है। तो ये दोनों जो पाउचेस हैं, ये सभी मैंने रिसाइकल करके बनाए हैं। सारे के सारों में पुरानी ही चीज़ों का इस्तेमाल किया, कुछ भी मैं नया नहीं लाई। पुरानी ज़िप, पुराना कपड़ा, पुरानी लाइनिंग एंड पुराना ही स्पॉन्ज। तो कैसा लगा आपको मेरा ये रिसाइकलिंग का वीडियो, DIY फैब्रिक रीयूज़, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यस, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे भी काफ़ी इनकरेजमेंट मिलती है, नए नए वीडियोस बनाने को दिल करता है। और मैं इस फैब्रिक पाउच को जो मैंने ब्लाउज पीस से बनाया, इसमें मैं अपने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स को डालूँगी, या फिर कुछ भी और क्राफ्ट का सामान होता है, छोटा मोटा रूलर्स वगैरह होते हैं, स्केच पेन्स होते हैं, ये भी देखें, इसमें भी कुछ ना कुछ रखूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।